आपका स्पीड बढ़ेगा, आप पावर बढ़ेगा। हफ्ते में 2 बार जरूर करना चाहिए। आज हम सीखेंगे ABC एक्सरसाइज, जो रनिंग के लिए सबसे बेस्ट एक्सरसाइज माना जाते हैं, क्योंकि दोस्तों इससे आपका स्पीड बढ़ेगा, पावर बढ़ेगी, आपकी स्ट्राइड लेंथ भी अच्छी होगी। रनिंग करते वक्त आपकी जो आप कहते हो ना, जो छोटे छोटे हमारे स्ट्राइड लेंथ पड़ते हैं दोस्तों, आपकी स्ट्राइड लेंथ भी अच्छी पड़ेगी। और दोस्तों नेशनल इंटरनेशनल लेवल के एथलीट इस वर्कआउट को करते हैं दोस्तों, तभी उनका टाइमिंग भी बहुत अच्छा आता है। दोस्तों आपको भी इस वर्कआउट को हफ्ते में 2 बार ज़रूर करना चाहिए, आपके वर्कआउट में आपको शामिल इस वर्कआउट को आपको करना ही चाहिए, क्योंकि इस वर्कआउट से आपका स्पीड में, पावर में, आपकी स्ट्राइड लेंथ में बहुत फर्क पड़ने वाला है। इससे आपका टाइमिंग भी कम होगा। और दोस्तों इस वर्कआउट को हमें किस तरह से करना है, कैसे करना है, मैं आपको अच्छे से बताऊंगा। दोस्तों हम 8 या 10 एक्सरसाइज करेंगे। और दोस्तों इस एक्सरसाइज को कौन कौन कर सकते हैं? दोस्तों आप अगर 100 मीटर करते हो, 200 मीटर करते हो, 400 मीटर करते हो, 800 मीटर करते हो, या तो 1600 मीटर करते हो, भर्ती की तैयारी करते हो, तो दोस्तों इस वर्कआउट को आपको ज़रूर करना चाहिए। हफ्ते में 2 बार इस वर्कआउट को ज़रूर करें, क्योंकि इससे आपके रनिंग का टाइमिंग में, आपकी लॉन्ग जंप हो, कौन सा भी इवेंट हो, इसमें बहुत फर्क पड़ेगा। तो एक्सरसाइज कैसे करें, किस तरह से करें, अच्छे से जानते हैं, तो चलो देखते हैं एक्सरसाइज। ABC एक्सरसाइज हम 30 मीटर में करेंगे। और दोस्तों आपको 30 मीटर में ही एक्सरसाइज करना है। और ऐसे आप स्टेप में लेके एक तो नाप सकते हैं, नहीं तो आप मीटर टेप से भी नाप सकते हैं। और हम 8 या 10 एक्सरसाइज करेंगे, और हर एक एक्सरसाइज की 2 सेट लगाएंगे। तो चलो देखते हैं एक्सरसाइज कैसे करना है, किस तरह से करना है। सबसे पहला एक्सरसाइज, उसमें हम स्किप करेंगे। और स्किप करते वक्त आपका जो घुटना है उसको आपको 6 स्क्रीप उठाना है, और बॉडी को दोस्तों हम बिल्कुल स्ट्रेट रखेंगे। और अगर आप शॉर्ट इवेंट करते हो, उसमें 100 मीटर हो, 200 मीटर हो, या लॉन्ग जंप हो, उसमें थोड़ा हम स्पीड से एक्सरसाइज करेंगे। और अगर लॉन्ग रनिंग करते हो तो उसमें थोड़ा आपको मीडियम स्पीड से एक्सरसाइज करना है। फिर नेक्स्ट करेंगे बेस्किप। बेस्किप करते वक्त दोस्तों आपका जो पैर है उसको अल्टरेट करके आगे तरफ फेंकना है, पैर को खोल के डालना है। और इस एक्सरसाइज से आपकी पैर खोलने में बहुत हेल्प होगी, आपकी जो रनिंग के स्टेप है जिसको हम स्ट्राइड लेंथ बोलते हैं वो भी इंक्रीज हो जाएगी। हाइनी करते वक्त हमें हमारी जो बॉडी है उसको बिल्कुल स्ट्रेट रखना है, और आपको आपके घुटने को 90 डिग्री तक उठाना है। और दोस्तों इस स्पीड के लिए बहुत बेस्ट एक्सरसाइज है। फिर बैक नहीं करेंगे, इस तरह से आपको दोस्तों बट किक करना है। और दोस्तों हर एक एक्सरसाइज करते वक्त आपको बॉडी को बिल्कुल स्ट्रेट रखना है और फिर एक्सरसाइज करना है। लंजेस करते वक्त दोस्तों आपका जो पैर है उसको उठा के आगे तरफ डालना है, और ध्यान में रखना है कि आपका जो घुटना है और आपका जो टो है वो एक स्ट्रेट लाइन में रखना चाहिए। और इस स्ट्रेंथ के लिए बहुत बेस्ट एक्सरसाइज, इससे आपके लेग में बहुत स्ट्रेंथ बढ़ेगी और आपके पैर भी नहीं थकेंगे। दोस्तों आपको इस तरह से एक्सरसाइज करना है, अच्छे से एक्सरसाइज करना है। अभी 4 एक्सरसाइज हो गए, इसके बाद और 4 या 5 एक्सरसाइज हो गए। आप अच्छी तरह से देख लो, इसी तरह से दोस्तों आप अच्छी तरह से देख लो। और आपको इस तरह से करना है हफ्ते में 2 बार, इस तरह से आपको करना है, आपको बहुत फर्क पड़ने वाला है। अगर आप इस वर्कआउट को 2 या 3 वीक तक अच्छे से फॉलो करते हो दोस्तों, आप में बहुत फर्क पड़ेगा। सिर्फ आपको अच्छे से एक्सरसाइज करना है। उसके बाद नेक्स्ट वर्कआउट, हॉबिंग करते वक्त आपका जो दोनों पैर है उसको ज़मीन पर रखने के बाद एक घुटना को ऊपर उठाना है। ये सभी एक्सरसाइज दोस्तों स्पीड के लिए बहुत बेस्ट एक्सरसाइज है, इससे आपका स्पीड बढ़ेगा, उसके बाद पावर बढ़ेगी। फिर नेक्स्ट हम करेंगे फ्रंट किक। हमें इस लेग को बिल्कुल स्ट्रेट ऊपर तरफ उठाना है, और दोस्तों स्पीड के लिए भी बहुत बेस्ट एक्सरसाइज है। नेक्स्ट एंड लास्ट एक्सरसाइज, हम एंकल बाउंस करेंगे। दोनों पैरों को इस तरह से ज़मीन पर रखने के बाद ऊपर की तरफ उठाना है। टो को रखने के बाद फास्ट आपको स्पीड से ऊपर तरफ बम्स करनी है, बॉडी को बम्स करना है। दोस्तों ये सभी एक्सरसाइज आप वीक में 2 बार ज़रूर करें, इससे आपके स्पीड में, आपके पावर में, आपकी स्ट्रेंथ भी बढ़ेगी, और आप अच्छी तरह से रनिंग कर पाओगे, आपका टाइमिंग भी कम होगा, अगर आपकी लॉन्ग जंप में भी बहुत हेल्प होगी।
सभी इवेंट में आपको हेल्प होगी।